हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है ब्रिज़ा 2022 मॉडल जो ड्यूल टोन कलर में है, ब्राउन एंड वाइट। आगे का प्रोफाइल देखिए, ये फॉग लैम्प है इसका और ये एलईडी हेडलाइट्स हैं। आगे का सुजुकी लोगो इन द मिडल प्रोमिनेंट लोगो है और नीचे भी एक सिल्वर स्किड प्लेट्स दिए हुए हैं। काफ़ी स्ट्रांग हैं और बेहतर हो सकते थे। ये भी एलईडी फॉग लाइट है और साइड का आप ड्यूल टोन में जो अलॉय व्हील है देखिए, 21560R16 का अलॉय व्हील साइज़ है और अलॉय व्हील्स काफ़ी सूट कर रहे हैं इसे। रेयर ये कैमरा 360 डिग्री कैमरा का जो एक पार्ट है, मिरर के नीचे कैमरा आता है, कीलेस एंट्री दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। देखिए रेयर में थोड़ा लाइट कम है और रेयर में देखिए जो ब्रेक लाइट्स हैं काफ़ी ब्रॉड दिए हुए हैं। ये 1.5 लीटर इंजन की आती है जो स्मार्ट हाइब्रिड है। बूट स्पेस देखिए आप, काफ़ी अच्छी है। 328 लीटर की बूट स्पेस आती है इसमें और एयर पार्सल ट्रे दिया गया है और पीछे भी कैमरा है, ये 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन है इसमें। रेयर वाइपर है, डायमंड कट अलॉयस आप साइड से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी कीलेस एंट्री का ऑप्शन रहेगा। इंटीरियर में, इंटीरियर की बात करेंगे तो आपको पुश बटन स्टार्ट आ जाता है और 4-way एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। आपको क्रूज कंट्रोल है यहाँ पे और ऑडियो कंट्रोल्स इन द स्टीयरिंग व्हील हैं। इंटीरियर देखिए, 9-inch का डिस्प्ले आता है और ये ऑटोमेटिक वर्जन है, ऑटो एसी आ जाती है इसमें। ऑटो डिमिंग मिरर है, रेयर व्यू सेंटर व्यू मिरर है और सनरूफ देखिए इसमें पैनोरामिक नहीं आता है क्योंकि ग्रैंड विटारा में पैनोरामिक आता है। ये ब्रिज़ा में ये थोड़ी छोटी गाड़ी है ग्रैंड विटारा से, तो नॉर्मल रूफ आता है आपको सनरूफ की। तो सनरूफ भी फर्स्ट टाइम है मारुति सुजुकी में और वायरलेस चार्जर का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है देख सकते हैं आप, और USB पोर्ट है इसमें। पीछे का भी स्पेस बहुत डिसेंट है। रेयर हेड एडजस्ट हेडरेस्ट एडजस्टेबल रेयर हेडरेस्ट दिए हुए हैं और इसी वेंट्स भी नॉर्मल से हैं, कुछ स्पेशल बात नहीं इसमें। HUD हेड अप डिस्प्ले का स्विच देख सकते हैं और यहाँ पे जो हेड अप डिस्प्ले की प्लेसमेंट आती है, HUD जो बटन है उस पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये इसकी खासियत है देख सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 7.99 से लेकर 13.96 तक एक शोरूम का प्राइस रहेगा। टॉप एंड वर्जन है 13.96 यानी 14 लाख एक शोरूम रहेगा। आगे से देखिए गाड़ी, अगर इसके डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये 3995 यानी 4×4 मीटर का लेंथ है इसका। 1790 का विड्थ है, 1685 mm का हाइट है, 328 लीटर बूट स्पेस है और व्हील बेस जो है 2500 mm का व्हील बेस है। व्हील बेस बहुत काम करता है इंटीरियर कैबिन कंफर्ट के लिए। जितना बड़ा व्हील बेस रहेगा उतना अच्छा आपको कैबिन कंफर्ट मिलता है। 28 डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं उसमें। मेन पार्ट जो है गाड़ी का इंजन है। इंजन की अगर इसकी बात करें तो के सीरीज़ का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है जो आपको पहले से ही XL6 और एस क्रॉस में देखने को मिलता है। जो 1462 का डिस्प्लेसमेंट है सीसी, जो 1462 का डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम जो पावर रहेगा 101 BHP का, ये 101.65 BHP 6000 RPM पर रहेगा। टॉर्क जो रहेगा 136 Nm टॉर्क है 4000 RPM पर और 4 सिलेंडर का ये इंजन है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आता है, जो 6-speed गियरबॉक्स है, जो मैनुअल है वो 5-speed गियरबॉक्स है। यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है चूहों के लिए भी स्पेस घर बना के दिया हुआ है मारुति सुजुकी ने, चूहों का भी ख़ास ख्याल रखा है। तो फिर आपका वो ख्याल नहीं रखेंगे चूहे, तो केयरफुल रहिए। और जितना स्पेस रहता है इंजन के लिए उतना अच्छा है क्योंकि गाड़ी इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, एयर फ्लो बहुत अच्छा रहता है उसका, तो लॉन्ग रन में इंजन ओवर हीट नहीं होती है। तो जितना एयर फ्लो रहता है इंजन का उतना परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी इंजन की बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू वेरी मच।